2 to 4 hours का लिखा हुआ है, कहीं पे 4 hours का लिखा हुआ है, वो है CKMB। CKMB रेज होता है 2 to 4 hours के बाद, वो तकरीबन 24 से 48 hours तक रेज रहता है। उसके बाद आता है आपका ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, ये जो है ये 4 to 6 hours के बाद रेज होना शुरू होते हैं और ये तकरीबन 1 week तक रेज रहते हैं। और उसके बाद LDH है, वो तकरीबन 12 to 24 hours के अंदर रेज होता है, और फिर वो वीक्स 2 weeks 3 weeks तक पेशेंट के परसिस्ट करता है। तो इसके अंदर याद रखिएगा कि अगर जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो ट्रोपोनिन आई है, लेकिन वो हमने करवाना है 4 to 6 hours के बाद। अगर इससे पहले करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो उस स्टेट में हम CKMB जो है वो हम चूज करेंगे, कि उसके बाद जो कार्डिक मसल जो रिलीज करते हैं वो है CKMB। लेकिन अगर आपके पास सवाल आता है कि पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है री इन्फॉक्शन के साथ, यानी अगर पेशेंट को आज 2 दिन पहले मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ, आपने पेशेंट को ट्रीट किया, अब वो दोबारा पेशेंट चेस्ट पेन हो रही है, तो मैं कौन से मार्कर करवाऊंगा? ये MCQs बहुत कॉमनली हमारे MCQs में आता है कि पेशेंट 45 ईयर ओल्ड, प्रेजेंटेड हैड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 4 days back, नाउ ही प्रेजेंटेड टू अस विद चेस्ट पेन, बट मार्कर यू विल डू टू रूल आउट द री इन्फार्क्शन, देन CKMB इज द आंसर। याद रखिएगा, टू लुक फॉर री इन्फार्क्शन, CKMB इज द आंसर। इसके बाद आ जाती है इनकी, हाँ हमने एक इन्वेस्टिगेशन तो ये करवा ली कि सबसे पहले ECG करवा ली, फिर हमने कार्डिक एंजाइम्स करवा लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या क्या चीजें करवा सकते हैं? TTT एक आम मतलब एक्सरसाइज जो टॉलरेंस टेस्ट है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट का थेलियम स्कैन करवा सकते हैं। अगर एक पेशेंट है, आपको पता है कि उसको चेस्ट पेन इतनी ज्यादा नहीं है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसमें आप एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा लें, वो ETT ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन एक पेशेंट है जो ज्यादा मूव नहीं कर सकता, उसमें फिर आप थेलियम स्कैन तो वो ज्यादा बेहतर है, कि उसमें आप फिर पेशेंट को या डायपैराटमोल थेलियम स्कैन करवा लिया जाए, तो वो ऐसे पेशेंट में जो ज्यादा एक्जर्शन नहीं कर सकते उसमें कर सकते, वरना स्ट्रेस एक्को होती है, एक्सरसाइज थेलियम एक्को होती है, एक्सरसाइज एक्को भी होती है, तो ये सारी चीजें हम ऐसे पेशेंट्स में करवा सकते हैं। अगर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो हम पेशेंट्स के अंदर करवा सकते हैं वो है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है कि हम डाइव डालते हैं और हमें हार्ट के अंदर, और उसके अंदर हमें जो है वो हार्ट की वेसल्स का पता चल जाता है कि कौन कौन सी वेसल कितनी परसेंट स्टीनोज्ड है, मेजर वेसल है या फर्दर है। अगर सिंगल वेसल या टू वेसल्स इन्वॉल्व होंगी तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फिर हम फर्दर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो फिर कोरोनरी आर्टरी स्टंटिंग या PCI जिसको कहते हैं वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिपल वेसल या थ्री वेसल्स ब्लॉक है, या मेजर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लॉक है, या पेशेंट्स को डायबिटीज है और उसके साथ टू वेसल्स ब्लॉक हो गई है, देन वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो फॉर कैबेज, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो कि हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी से भी ले सकते हैं, या हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर सेफनस वेन ग्राफ्ट भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेफनस वेन ग्राफ्ट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन याद रखें इसकी लाइफ यूजुअली 5 ईयर्स तक होती है। हमारे यहाँ तो वो चलता जा रहा है ना, काफी अर्से निकाल सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी देर उसकी लाइफ है, वो 5 ईयर्स है। लेकिन अगर जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है उसकी 10 ईयर्स तक होती है। अपने एंजियोग्राफी ऐसे पेशेंट्स में भी कर ली। अब इसके बाद आ जाती है कि अगर आपने पेशेंट को कैबेज और एंजियोग्राफी का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ये पॉइंट, कि जो एंजियोग्राफी है, एंजियोग्राफी इज जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू लुक फॉर द कोरोनरी आर्टरीज। इसके अंदर हम डाई डालते हैं, हम कोरोनरी वेसल्स को देखते हैं कि उनके अंदर उसकी कितनी पेटेंसी है। जैसे आपने MRCP ERCP देखा है ना, कि ERCP के अंदर डाई डाला जाता है और वो पूरी आपकी MRI के थ्रू, एक्सरे के थ्रू आपकी सारी इमेजेस आ जाती है, क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो जो बाइल डक्ट है, इसमें सिस्टिक डक्ट है, ये वैसे ओपन है या क्लोज है। इसी तरह ही कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो जो एंजियोग्राफी है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटरिंग हो रही होती है थ्रू फ्लोरिसेंट एक्सरेज या MRI के थ्रू। उसके अंदर हमें हार्ट की कंटिन्यूस जो मूवमेंट्स नजर आ रही है, तो इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वेसल्स कितनी ब्लॉक है, कितनी ओपन है। यह है एंजियोग्राफी। कैबेज इज टोटल डिफरेंट। कैबेज इज मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। अगर एक पेशेंट है उसकी कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो है या बिल्कुल ब्लॉक है, तो कोरोनरी आर्टरी
बाईपास ग्राफ्टिंग, हमने सेपनस वेन का लेग से या फिर आपने इंटरनल मेमोरी आर्टरी से वो आर्टरी ली और उसको आपने उस वेसल जो वहां पे डैमेज थी वहां से हमने बाईपास कर दिया, यानी जहां पे वो क्लॉट पड़ा था उस एरिया को बाईपास कर दिया ताकि बाकी हार्ट की परफ्यूजन जो है वो नॉर्मल हो सके। इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी का आप अगर मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो वो डिफरेंट ये है कि एंजियोग्राफी इज इन्वेस्टिगेशन, इन एंजियोप्लास्टी इज मैनेजमेंट टू दिस इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल एक वेसल ब्लॉक थी, हम फेमरल वेन के थ्रू गए और हमने वहां पे जाके स्टंट प्लेस कर दिया। इस स्टंट प्लेसमेंट को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, प्लास्टी, जो अगर सिर्फ उसको देखना थ्रू डाई इंजेक्ट करके तो वो एंजियोग्राफी है। ठीक है, अब इसके आगे जो फर्दर बात आ जाती है इनकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर हम ड्रग्स का डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक पेशेंट है वो सिंपल स्टेबल एंजाइना के साथ आता है, ईसीजी की वेव्स एक्सप्लेन, वो मैंने आगे वैसे रखा हुआ है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ईसीजी। अच्छा हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ईसीजी की आपने पहले थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया है कि एसटी एलिवेशन, नॉन एसटी एलिवेशन, हार्ट की कौन सी लीड्स के अंदर हम कौन सी वॉल देखते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है या ये भी आपको रिवाइज कर दूँ? सर प्लीज रिवाइज कर दें, वैसे तो क्लियर है लेकिन रिवाइज कर दें ज्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि मैं आपके सामने ना कुछ इसी चीज निकाल लेता हूँ बुक के थ्रू ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी इस चीज को रिवाइज कर सकूँ। सबसे पहले तो इसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इनको रिवाइज कर दें। इसमें ये है कि आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो है वो आपकी ईसीजी के अंदर पी वेव होती है। मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे ज्यादा समझा देता हूँ, इजीली आप लोगों को हो जाएगा। अगर आपको बोर्ड पे नजर ना आए तो मुझे आप लोगों ने बता दें। ठीक है, जब हम ईसीजी को पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है आपकी ईसीजी, स्टार्ट विद पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव। पी वेव, क्यू आर एस एंड टी, आप लोगों को सब नजर आ रहा है? ये इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, अगर जहां पे आप लोगों को मसला हो आपने मुझे साथ ही हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अच्छा पी जो वेव है वो किस तरह बनती है? आपकी पी बनती है एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो बनता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। जो टी वेव है वो बनती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। अब ये नॉर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट है। अब होता क्या है कि एक ये नॉर्मल हार्ट है, इसके अंदर सर आपको पता है ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे नोड है, ऐसे नोड से आगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है आपकी एवी नोड पे। ठीक है, एवी नोड से आगे बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद आके राइट बंडल फाइबर्स होते हैं, लेफ्ट बंडल फाइबर्स बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी, एवी नोड में आएगी तो हमारी पी वेव बनेगी, इस टाइम पे वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा। उसके बाद फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से जो वेंट्रिकल्स में जाएगी तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी, इससे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद